साहिबगंज जिले में एक बार फिर जिला पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी घटना होने से पहले ही दो अभियुक्तों को एक देशी कट्टा, दो गोली, तीन मोबाइल सहित एक बाइक के साथ धर दबोचा। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए जिला पुलिस कप्तान अनुरंजन किस्पोट्टा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इन दिनों दुर्गा पूजा को लेकर आपराधिक दृष्टिकोण से प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है और अपराधियों पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। इसी क्रम में बीते मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के मिर्जा चौकी भगैया मुख्य मार्ग पर अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार एवं गोली के साथ किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस बात की भनक जैसे ही मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक प्रसाद को लगी, उन्होंने त्वरित छापेमारी दल का गठन कर दो अभियुक्तों को एक देसी कट्टा, दो गोली, एक मोटरसाइकिल सहित तीन मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं हिरासत में लिए गए अभियुक्त, जिसमें राजेश कुमार उर्फ पिंटा, जो बड़ी को द्रिजंदना मुफसिल थाना का निवासी है, और दूसरा अभियुक्त ऋषि कुमार सिंह भागलपुर जिला का निवासी है। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजा जा रहा है। बताया कि अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ पिंटा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2021 को मिर्जा चौकी ऑफिसर इन चार्ज के गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी भगैया रोड पे अपराध कार्य करने के नियत से भ्रमणशील है। इस मद्देनज़र उन्होंने अपने थाना में सशस्त्र बलों और पदाधिकारियों के साथ छापामारी किया और छापामारी करके दो व्यक्ति राजेश कुमार और ऋषि कुमार को भगैया के पास जो रोड है उसी पे गिरफ्तार किया और इनकी तलाशी के बाद इनके पास से एक हथियार मिला है और दो गोली मिली है, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और एक कीपैड मोबाइल का मिला है। इसकी बरामदगी में ऑफिसर इंचार्ज ने बेहतरीन काम किया है और एक घटना को अंजाम होने के पहले अपराधियों को पकड़ा है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। अपराधी इतिहास, एक का अपराधी इतिहास है, अभी एक चारी थाना का है ये, और देख रहे हैं हम लोग इनका पूर्व आपराधिक इतिहास और कहीं पर है तो इसके संबंध में। मोटरसाइकिल इनके खुद की है? नहीं, इसमें अभी डाउट है क्योंकि नंबर इंजन चैनल नंबर जो बताया जा रहा है पंच किया हुआ है, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये किसी वैध है या अवैध है।